देखा है लाइफ में फिल्मों में वो भूल जाओ और जो हम बोल रहे हैं वो चुपचाप करके करते रहो. तो अपनी सेंसिबिलिटी घर पे छोड़ के और जो हम बोल रहे हैं बस आंख बंद करके करते रहो. बिकॉज इनके मन में और इनके फोरसाइट में कैरेक्टर बहुत क्लियर था. मेरे पिताजी फौज में, मैं अगर फौज में जाता तो मैं अपनी फैमिली की छठी पीढ़ी होता. अब जो एक आर्मी ऑफिसर का रहन सहन तौर तरीके होते हैं वो मैंने बहुत करीबी से देखे हुए हैं अपनी लाइफ में, दादाजी से लेकर चाचा सब डैड. तो वो मैं अपनी तरफ से लाया, लेकिन जो एक्शन था वो ऐसा स्केल का एक्शन मैंने कहीं नहीं देखा. तो हम सिर्फ टीवी या फिल्म की बात कर रहे हैं. उसके अलावा जो एक 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 फिल्म में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कोई फिल्म, उसमें 4 या 5 एक्शन सीक्वेंस होते हैं. हमारे पूरे सीरीज में कम से कम 55 या 60 एक्शन सीक्वेंस हैं. तो जो मेरी, अगर आप देख रहे हैं कि मेरे आज एक कट है, अगर आप हफ्ते बाद मेरे को देखें 2-3 और कट हैं यहाँ हैं, तो वो होते जा रहे हैं. उसमें सिर्फ ये कि अच्छा 12वां एपिसोड हो गया, अच्छा 14वां हो गया, तो ऐसे चल रहा है. दिस इज द प्रूफ, इट्स अ प्रूफ. हाँ, ये एक बात है कि सारे जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो रणवीर जय ने खुद किए हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है. इवन जो कोई चॉइस भी नहीं थी नहीं, चॉइस तो अभी भी मिल सकती है, पर हम चाहते हैं कि वो रियल लगे. नहीं, ही इज अ वेरी रिच प्रोड्यूसर. ये तो देखिए, अब इनकी इनकी क्या कहते हैं वो एहसान है हम पे. लेकिन जैसे वो माउंटेन क्लाइंबिंग का सीक्वेंस है जो आप थोड़ी बहुत झलक आपने ट्रेलर में देखी, वो 600 फीट गहरी खाई थी और वो रणवीर जय ने खुद किया, बिना एक सेकंड एक क्वेश्चन भी पूछे वो सीधा लटक गए, गाड़ी के पीछे लटके हैं, पता नहीं क्या क्या स्टंट अभी किए हैं. अभी 2 दिन बाद हम एक स्टंट करने वाले हैं जो 35वें माले से ये छलांग लगाने वाले हैं. क्या? तो कुछ ऐसी चीजें हम करना चाहते थे जो कि एक टीवी शो के लिए या एक फिल्म के लिए भी एक गर्व की बात हो. लेकिन सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कहानी इमोशनल ना हो और कहानी में लोगों के दिलों को छूने वाली बात ना हो तो वो शो वर्क नहीं करता. और इस शो में रणविजय और राज जी की एक बहुत ही गहरी रिलेशनशिप है जो इस शो का एक बहुत अहम मुद्दा है. मनीष और दिशांक रणविजय के भाई हैं, किरण उनके फैमिली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. और किरण का कैरेक्टर इतना ट्विस्टेड है कि जैसे जैसे शो बढ़ता जाएगा उसके पेज खुलते जाएंगे. तो जो इमोशनल कोशेंट है कहानी का, जो पेज, जो एक गुत्थी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है इस शो की. और मुझे लगता है उसके साथ इस लेवल का एक्शन, इस टाइप की स्टार कास्ट और ये मेहनत, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सही हो रहा है. आपके लगभग सब लोग हैं, अदा नहीं आई? वो रास्ते में फंसी हुई है, हीरोइन है, लेट आती है, उन्हें माफ कर देना चाहिए. लेकिन हम लोग मंडे शूटिंग में हीरोइन रखी है आपने या सिर्फ रणवीर जय के लिए? नहीं, ये एक हम अभी तक क्या है कि महाभारत खत्म हो चुका है, महाभारत खत्म हो चुका है, तो हम इस शो में एक ही हीरो एक ही हीरोइन वाला चक्कर रखेंगे, बेटर है. रणवीर सर, आपने रियलिटी शो किया और अब आपका ये डेब्यू है सीरियल में, तो आपको कैसा लगा? देवेन, मेरे को जैसे विपुल सर ने कहा कि एक डेली शो करना मेरे लिए थोड़ा कठिन है क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा हूं. मैं वन ऑन वन एक शो प्रोड्यूस करता हूं, वो रोडीज करता हूं वगैरह वगैरह ऐसे बहुत. जब सर ने बोला एक एक्शन सीरीज है और हम लोग इसको अपने तरीके से बनाएंगे, एक फुल स्केल होगा, जो आप देख रहे हो वही मुझे प्रोजेक्ट किया गया था. तो डिसीजन लेने में मेरे को शायद 1.5 या 2 मिनट लगे थे कि मैं सोचा था कि अच्छा अभी से लेके जनवरी तक मैं यही करूँगा, ऐसा था. दैट वाज द ओनली कंसर्न. और मेरे को हमेशा लाइफ में ऐसी ही चीज़ें करनी थी. बचपन से मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, मैंने अपना SSB भी क्लियर किया था. दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू लिव द लाइफ दैट आई डिडंट. और मेरे पेरेंट्स जो पहला एपिसोड जैसे जो आपने देखा, दे वर वेरी इमोशनल. Obviously happy, emotional, but for me it was like coming home. It was like a full circle. So मेरे लिए तो मतलब decision बहुत ही आसान. देखिए, अदा ही नहीं, director भी late आता है. देवेन यहाँ है और late भी है पर आ चुके हैं. डायरेक्टर शूट कर रहे थे इसलिए हम भी शूट कर रहे थे. शूट करके आए सर, हम भी शूट करके आए मड आइलैंड से, ऐसी क्या बात है. अब जो इसका जैसे 24 ने शुरुआत की थी भारतीय टेलीविजन पे, उसी से इंस्पायर हो के आपको लगता है कि टीवी का रुख बदल रहा है? रणवीर जी, आप तो एक्सपर्ट हैं टीवी पे, तो आप भी पहले मैं ऐसा मानता हूँ कि 24 एक बहुत ही बेहतरीन शो था और उसने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है मिनी सीरीज को इस देश में लाने की. पूरी दुनिया में
एंडलेस सीरीज जो होती हैं, जो डेली सोप जिन्हें हम कहते हैं, वो अब कम होते चले जा रहे हैं। मैं इस देश में डेली सोप को शुरू करने का गिल्टी हूँ। एक महल और सपनों का इस देश का पहला डेली सोप मैंने किया था, 1000 एपिसोड हमने पहली बार किए थे। देवेन उसमें बहुत अहम भूमिका में भी था। अब जो दुनिया में डेफिनेट एंड वाले 24 एपिसोड की मिनी सीरीज हर जगह बनती है और वो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे बन रही है, और मुझे लगता है कि भारत में अब वो शुरुआत हो चुकी है। 24 बहुत ही अच्छी शुरुआत थी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 24 से थोड़ा एक कदम और आगे जाए। अब ऑडियंस तय करेगी क्या। युद्ध भी आया था सर? युद्ध युद्ध मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मैं ये शो उस वक्त बना रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से अमित जी जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं वो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं उनके लिए बहुत बायस्ड हूँ, तो मैंने देखा नहीं युद्ध, लेकिन मैं दिल से ऐसा मानता हूँ कि युद्ध बहुत ही अच्छा शो होगा। मैं देख नहीं पाया हूँ, जरूर एक वक्त पे यूट्यूब पे जाके देखूंगा, बट अमित जी जो भी करते हैं मेरे लिए वो अच्छा ही होता है, मुझे कभी बुरा लगता ही। सास बहू के मतलब एक्सपर्ट आप रह चुके हैं, अब ये जो टीवी बदल रहा है सीरियल एक जैसा लैंडमार्क रहे कहानी और एक क्योंकि और तीसरा वो क्या था कसौटी, तो अब ये जो 2014 में जो पूरा बदलाव 2009 में खत्म हो चुकी थी, अब हम 2014 में अब ऐसे शोज बन रहे हैं। हाँ, यही पूछ रहे तो बन रहे, इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उसे सक्सेस आएगी, चलेगी 100%, इसलिए तो बन रहे हैं। सर एक चीज लास्ट आपसे पूछना बनता है, मिसेस बच्चन और जया जी आपके मिलने आए थे, कोई फिल्म बनाने वाले उनके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि जया जी अगर मेरी फिल्म में काम करेंगी तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा। उन्हें मनाना मेरे लिए बहुत, आई मीन सभी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत चूजी है, लेकिन वो एक बहुत ही पर्सनल फंक्शन था जिसमें उन्होंने मेरे इनवाइट को एक्सेप्ट किया और ऐश और जया जी घर पे आई थी, तो बस वही इतनी सी बात है। पता नहीं ये कहां से कहां चली गई ये बात। पर इस शो में कोई शो में उनको शामिल करने है, क्योंकि उनका भी एक टीवी शो आने वाला था जया जी का। मैंने अभी तक तो इस शो में ऐसा, अगर जया जी को लेके शो करूंगा तो वो सेंट्रल कैरेक्टर के अलावा हो ही नहीं सकता, और वो भी जया जी क्या करना चाहेंगी ये सबसे बड़ा सवाल होगा। उन्हें मनाना क्रिएटिवली एक बहुत ही अच्छी मजबूत कहानी के साथ मनाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी एक दिन मैं उनके साथ जरूर काम करूंगा। चलिए, हम चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन जी को भी आप लेके आए टीवी पे। थैंक यू, इट विल बी अ ग्रेट ऑनर टू ब्रिंग हर ऑन टीवी फॉर श्योर। मतलब समझ जाता है कि आप एक टीवी शो के लिए समय दे पाए, अच्छा काम करने के लिए। मैं उत्तर भारत से बंबई में आया था और बंबई को मैंने मुंबई बनते हुए देखा, यहाँ काम करके। ये मुंबई मेरा घर है, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा जो पेशा है वो इसी मुंबई में है। राजनीति मेरे लिए पेशा ना रहा है ना है, और इसलिए वो मेरे लिए एक सोशल कमिटमेंट रहा है, बट मेरी पहचान और मेरा पेशा जो है वो इसी शहर में मुंबई में है और मेरे काम में है। शो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? पुकार एक कहानी है, एक इस दौर में जो एक रिश्तों की कहानी, एक परिवार की कहानी, बाप बेटे की, उन रिश्तों की कहानी कि हम लोगों का मकसद एक ही होता है कि हम घर को, घर वालों को सुख पहुंचाएं, घर वालों को उनका साथ दें, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं कभी कभी, जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि ये जनरेशन गैप है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हर घर का है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, माँ बाप के बीच में हमेशा ये रहता है कि माँ बाप कहते हैं हम सही है, औलाद कहती है हम सही है। ये कहानी हर परिवार की है, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक अच्छे माहौल के अंदर अच्छा काम करने के लिए आया हूँ, और अच्छा काम मिला है, और अच्छा काम
लोगों के सामने आएगा। सर एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगी कि 88 के बाद लगभग दो दशकों के बाद दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है टीवी पर, जिस तरीके से आप कहानी की तारीफ कर रहे हैं, तो किसने खींचा आपको एक दोबारा टीवी पर आने के लिए? कहानी बेहतर लगी विपुल शाह के रिलेशन? देखिए दो चीजें हैं, मैंने जिंदगी में एज एन एक्टर ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने 1972 में थिएटर 1972 में थिएटर शुरू किया और 1975 में टेलीविजन शुरू किया और 1989 में यानी 1979 में मैंने सिनेमा शुरू किया। तो मेरे लिए ज़िंदगी में ये दौर चलते रहे हैं। मुंबई में भी मैंने यहाँ आकर जो है अपने जो मेरे बुज़ुर्ग थे उनके सीरियल्स में काम किया, लेकिन मेरे ओपनर की तरह आता था। मैं एक एपिसोड किया, जैसे महाभारत में एक एपिसोड किया, मैंने अपने घर की प्रोडक्शन में मैं दिल्लियों में एक एपिसोड किया, लेकिन ये मेरे लिए एक रेगुलर टेलीविजन में अगर मैंने किया है तो विपुल शाह की वजह से किया है, कि विपुल शाह की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर भी। और सबसे अहम बात ये रही कि इसके अंदर मेरा रोल और कहानी बहुत ही उम्दा है, बहुत ही खूबसूरत है। जी हमें कतई इस बात से शर्माना नहीं चाहिए। टेलीविजन को हम कहते हैं छोटा स्क्रीन, लेकिन ये एक ऐसा स्क्रीन जो लोगों के घरों के अंदर है और जब चाहे इसकी रीच जो है बहुत बड़ी है, इसकी रीच करोड़ों में है। और मेरा मानना यह है कि हम जैसे लोग जो बहुत देर जिन्होंने कर दी है टेलीविज़न को अपना जो है प्लेटफॉर्म बनाने में, उन्होंने कुछ खोया है। और मुझे लगता है कि मैं जो मैंने खोया है मैं बहुत जल्दी उसको पाने की कोशिश करूंगा और पाऊंगा। सर इसके साथ एक प्लीज़ अलाउ मी टू आस्क, आपके सुपुत्र दिनों बिग बॉस में है सर, कुछ प्रतिक्रिया उनके कार्यकलापों पर? मैं विपुल शाह जो मेरा बॉस है मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। बिग बॉस आप वॉच तो कर रहे हो? अरे साइड की बात नहीं, उनको थोड़ा इधर लेना। और इस साइड आ जाइए। कहाँ रह गई थी आप? सब लोग इंतजार कर रहे थे आपका। और आप? I was coming from Mad Island where we were shooting, तो मुझे काफी ट्रैफिक मिला, so sorry to keep you waiting. नहीं नहीं बाकी लोग सब इंतजार कर रहे थे। आप नहीं कर रहे थे? मैं तो हमेशा करते रहता हूँ। वेल आई ट्राई कि हर जो अगर फिल्म कर रही हूँ या एड कर रही हूँ या आई थिंक आई एम एन एंटरटेनर, सो आई ट्राई दैट ईच टाइम आई ट्राई टू एंटरटेन यू ऑल, मैं अलग किरदार के साथ आऊँ। आई हैव नॉट प्लेड सच अ कैरेक्टर बिफोर। इट्स वाइवेशियस, आरती इज अ जर्नलिस्ट एंड शी इज वाइवेशियस, शी इज फन, she's spontaneous and well like I said I've not done something like this before, so I hope you all like it. Madhuri Dikshit ki maid ka bhoot bharai kara rahi hai wo khud hi ka hai. I'm assuming you all have all watched it, so now you all tell me what you all from horror to a regular fiction and now to an action genre. Any particular reasons for choosing this? No, I actually don't have reasons. I don't have like a list that I chalk out and I say I have to do this and this at this point and this time. I've never done that, and wo obvious hai kyunki maine ek horror films ke saath apna debut start kiya, and with Hasi to Fasi I did something different, and well with this I'm trying to do something different, and I think with television the good thing is ki main aap sab ke living rooms mein aake aap logon ko entertain kar sakti hu, which I think is really nice. The reach is really good, from villages to cities to doctors to MBAs to housewives to students to, we can
well, interact with everyone, and it's very personal because, like I said, you're in that person's home, and that person can watch you right on their TV screens when they feel like. So. Why? ये action क्यों? सास बहू भी बन सकती थी आप कोई अच्छी सी. You want me to become सास बहू? What is this? नहीं कुछ भी मतलब. चलो next time पक्का. For you specially, I will be सास और बहू both you want me to be. यार आजकल वो एक career एक end करते हैं character का फिर नया शुरू कर देते हैं. अच्छा so he wants me to be सास बहू. Thank you. I'll do it next time. So एकता कपूर. With whoever you want, since you're choosing कि मैं सास बहू का करूं, आप ही choose कर लो किनके साथ, done. ये जो journalist का character था, ये किससे inspire हुई आप? किसको देख के आपने सोचा कि आप सभी को हमने तो कभी माधुरी दीक्षित की नहीं dialogues तो अभी विपुल सर लिख रहे हैं तो whatever he gives me I will say but I think from when I've started in each interview I love observing people मुझे सबकी mimicry करना काफी पसंद है so when someone interviews me I always check out their mannerisms and their traits and I try to imbibe a little of that so a little from a lot of people who've कोई real life में आप reporter बनना चाहेंगे कभी नहीं आई थिंक आप लोग इतने अच्छे अपने जॉब में सो आई लीव दैट टू यू ऑल सॉरी एनी अदर अपकमिंग फिल्म सीरियल आई एम एक्चुअली डूइंग 5 फिल्म्स डाउन साउथ आई जस्ट डेब्यूट दिस ईयर इन अ फिल्म इन साउथ कॉल्ड हार्ट अटैक सो आफ्टर दैट आई हैव बीन रियली बिजी देयर एंड सो फॉर नाउ जस्ट दिस films you will know very short agar aapko report about like serials also going on a very high budget like it's kind of you know film ke style mein shoot kiya jata hai yeah I think you all have all watched it now so you know that it's I think we've reached a point where it's at par with films television and like you said production values and all are increasing it's looking bigger it's looking more lavish and That's a great thing, right? So, कोई टीवी शो आपको पसंद है? आप टीवी देखती हैं? हिंदी टीवी शो? Yes, I actually watch all these dance shows. So I watch Dance India Dance and Jhalak when it was on. So those I record and I watch. Fiction में कुछ? Fiction में no. These are the only two ones that I'm like addicted to. Like I watch each episode. I've not missed even one episode from the last like when it started from those seasons. So would you like to participate? Action भी करोगी कुछ? This is an action series in fact. कहीं पर action also. No, I think mine is just the romance and the comedy happening. I think Ranvijay will take care of all the action. Okay. Would you like to participate in any reality show? No, I don't think it's for me. I don't think I'm strong enough to participate in reality. But I love watching, like I said, the dance reality shows. Okay. Anything more? Yeah. No, thank you. So.